अस्थि विसर्जन करने जा रहे वाहन सवार आधा दर्जन लोग सड़क दुर्घटना में घायल, दो की हालत गंभीर। जबलपुर से प्रयागराज जाते समय कटरा के समीप हुई घटना, तूफान वाहन में सवार थे डेढ़ दर्जन लोग। बता दें, रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के कटरा के समीप तेज रफ्तार वाहन के सामने जानवर आ जाने से वह अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन में अधिकांश लोग जबलपुर के निवासी हैं, जो अस्थि विसर्जन करने के लिए जबलपुर से प्रयागराज जा रहे थे। घटना में मृतक की पत्नी एवं एक साल का बच्चा भी शामिल है। घटना में संगीताबाई वाल्मीक, कुमार दुर्वे, हरबंश वाल्मीक, रामदास वाल्मीक को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। इसी तरह से अन्य घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से रीवा लाया गया है। यह हादसा आज सुबह तकरीबन 6 बजे उस समय हुआ, जब प्रयागराज जाते वक्त कटरा के समीप एक जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ गया। तभी चालक ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। तूफान वाहन में तकरीबन डेढ़ दर्जन लोग सवार थे, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके कारण घायलों को समय से उपचार मिल गया। प्रस्तुत है घायलों के परिजन से प्राप्त जानकारी के अंश। ये हमारे रिश्तेदार जबलपुर से परिवार के उनके विसर्जन करने के इलाहाबाद जा रहे थे, तो कटरा के पास कोई जानवर आकर सामने से एकदम से भिड़ गया, तो गाड़ी अनियंत्रित होकर के वो भिड़ गई और विसर्जन भी नहीं कर पाए। वहाँ से लोगों ने मदद करके संजय गांधी हॉस्पिटल में उनको ला करके ट्रीटमेंट करने के लिए, तूफान गाड़ी थी, तूफान गाड़ी में 8-10 लोग थे, इसमें 3-4 लोग को चोट लगी, तो संजय गांधी उनका ट्रीटमेंट चल रहा हुआ है। इसी मृतक की पत्नी भी गई थी उसके, हाँ, मृतक की जो पत्नी विसर्जन में साथ में थी, तो वो भी, उनको भी चोट लगी हुई, तो उनकी डिसीजन वगैरह और संजय गांधी कराया जा रहा है।